गिरा 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 ईदगाह में एंट्री कर लिया। हमारे गांव की बहुत पुरानी ईदगाह है और ये कुआं जो है ये बहुत पुराना कुआं है और यहाँ पे रस्सियों के निशान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पुराना है ये। पापा के बचपन में भी ऐसी था और ये मैं अब तो ऐसी अभी मैं ऐसी देख रहा हूँ। ये ईदगाह है, ये भी बहुत पुरानी है। ईदगाह के सामने एक कुआं बना हुआ है और अब इसके अंदर कूड़ा पड़ा है, पानी नहीं है। पानी तो होएगा ही नहीं, वैसे बहुत पुराना है, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे मतलब इतनी घास उग रही है ईदगाह में भी, तो आपको ले चलते हैं अंदर ईदगाह में। कांटे लग गए और अब भी देखो चप्पल में भी लगे पड़े इतने सारे, बीबा बीबा के चप्पल में लग गए थे। यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा हो चुका है, अब ईदगाह जैसी नहीं रही है। यहाँ पे सफाई होती है लेकिन ईद पे ही होती है, और लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है यहाँ पे और इतने सारे यहाँ पे कांटे पत्थर के अंदर घास निकल रही है सारी। अब मतलब थोड़ा सा स्पेस है वरना सब में घास ही घास है, चार सब जंगल है ना, तो यहाँ से यहाँ पे है भी। ये ईदगाह के अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, और अंदर वहाँ पे भी जंगल है, एक साइड भी जंगल है। तो ये ईदगाह भी पता नहीं कितनी साल पुरानी, सामने आपको मैंने कुआं दिखाया था उससे आपको अंदाजा हो गया होगा ये कितनी साल पुरानी है। ईद की नमाज यहीं पे पढ़ी जाती है, आसपास के सारे लोग हमारे गांव में ही आते हैं, यहाँ पे नमाज होती है, ईद की नमाज होती है यहाँ पे। ये हमारे गांव सेटा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी। दाल के पेड़ है वो वहाँ पे आंटी निकाल ली है उड़द, और ये अरहर की दाल के वो है पेड़, ये गन्नों की ईक है। सब इधर भी है और इधर भी है, चारों तरफ ईक ईक है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में गन्ने जा रहे हैं। ये आम के बाग है सारे ये वाले। तो अभी हम गन्ने के कलेसर में आए, तो यहाँ पे पहले गन्ने का मतलब गन्ने का रस निकल रहा है, फिर उसके मतलब यहाँ पे आ रहा है और फिर यहाँ से पाइप में से जाके वहाँ पे जा रहा है। एक बार वो उसके अंदर जा रहा है मतलब फिल्टर हो रहा है, फिर दूसरी बार में जा रहा है, फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे फिल्टर हो रहा है और वहाँ पे जाके मतलब गुड़ बनता है और फिर लास्ट में वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, मतलब गुड़ कम्प्लीट। इतनी देर इतना लंबा प्रोसेस होता है गुड़ बनने का गन्ने से, वो भी तो आपको दिखाते हैं कम्प्लीट गुड़ कैसे बनता है। Yeah.
तो यहाँ पे कंप्लीट ग्रो हो जाता है, फिर यहाँ पे जम जाता है, फिर ऐसा कुछ टाइप का हो जाता है, देखने में इतना टेस्टी सा लग रहा है। तो अभी ये बाजार में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और अभी हम भी खाएंगे बिल्कुल गरम गरम गुड़, मज़ा आएगा बिल्कुल क्योंकि मैंने आज तक खाया नहीं है गरम गरम गुड़, मतलब वहीं से खाया दिल्ली से ही, आज हम कलेसर पर आए तो यहीं से खाएंगे। तो इसे हिला रहे हैं ठंडा होने के लिए क्योंकि ये जम जाएगा, फिर ठंड होने के बाद फिर ये मतलब अपने हार्ट शेप में आ जाएगा, मतलब इस तरह, मतलब इसे ठंडा कर रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ से उतारा है तो अभी ये गर्म है पूरा। अबे हाथ पाथ चेक कर ले जरा। ओ फरहान अर्श के भी चांसेस हैं गिरने के। अबे फुल 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 अभी हम ईखवा गन्ने लेने के लिए और हमने कुछ गन्ने ले लिया है सुपर के पास और पराठे पास है, हमने गन्ने ले लिया, जहाँ मजे करेंगे। ये लोग तो छीनने नहीं आते, दांत टूट जाएंगे, टूटे पड़े हुए दांत। उन अंकल ने दिए, हम उनसे कह रहे थे कि आप पैसे ले लो, लेकिन उन अंकल ने पैसे नहीं लिए। बेटा तो आप गन्नों का यूज करना नहीं आता, ऐसे करके पकड़ा जमा चाहिए उसके ऊपर। तो अभी हम वहाँ से गन्ने लेके आए तो नीचे उतरते हुए अभी फूफा भी गिर गए थे और अभी मतलब इतना मुश्किल हो ऊपर और नीचे उतरना, ये नीचे है और यहाँ पे मतलब पौधे ही पौधे और कांटे भी हैं, तो उस वहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी तो हम जा रहे हैं घर, अभी